नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर बात कर रहे थे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें स्कूली शिक्षा के ढांचे में और स्वरूप में क्या मूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, तो आज हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि उच्चतर शिक्षा के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें क्या परिवर्तन हमें नजर आते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो नई दी गई हैं, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो पुरानी हटा दी गई है, तो यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही प्लस टू पास करता है बच्चा, ट्वेल्थ क्लास पास करता है, तो ग्रेजुएशन के कोर्स में जाता है, चाहे कोई भी स्ट्रीम वो चूज करे। उसके बाद आज के जो यूथ है उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो दौर चल रहा है, वो प्लस टू के बाद ही कोशिश करता है कि मैं किसी कोचिंग सेंटर में जाऊं, साथ के साथ कोचिंग ले लूं, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं अपनी तैयारी करता रहूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते करते फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर होते होते गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो उनकी डिग्रियां अधूरी रह जाती हैं। तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक सराहनीय प्रयास किया है कि हायर एजुकेशन के अंदर क्या उन्होंने बदलाव किए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। जैसे आप जानते हो, ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता था वो 3 ईयर का होता था, उसको बढ़ा के 4 ईयर का कर दिया, ऑनर्स की तर्ज पे ऐसा कर दिया गया है। पहले 3 साल तक सेम टू सेम एजुकेशन चलती रहेगी सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से, 4th ईयर में रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाएगा, शोध को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो 4 साल तक लगातार पढ़ेगा उसको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। जो 4 साल तक निरंतर एडमिशन रखता है पूरी तरह से, वो 5वें साल में एक ही साल के अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम चूज करे। ये सबसे बड़ा प्रावधान और रेवोल्यूशनरी कदम उठाया है। जैसे हम कहते हैं कि एमए 2 साल का होता है और बीए 3 साल का होता है, उसी तरह से जो 5 साल का पीरियड है उसका सदुपयोग करते हुए ग्रेजुएशन को 4 ईयर में कर दिया है, 4th ईयर में रिसर्च में फोकस रहेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन को केवल 1 साल का कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमें नजर आता है। एक और परिवर्तन क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे किया गया है 5 साल का, बीए प्लस एमए का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स का भी प्रावधान किया गया है। विद्यार्थी अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं, या तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं, या फिर वो इंटीग्रेटेड कोर्स सीधे 5 साल का चूज कर सकते हैं। ये उनकी चॉइस पर, उनके व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से किसका सिलेक्शन करते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन हमें जो नजर आता है, जो विद्यार्थी बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते थे, बहुत सारे लोगों में भारतीय आर्मी के अंदर, ये पुलिस के अंदर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, छोटी सी उम्र में लग जाते हैं 19, 20, 21 साल में, ग्रेजुएशन बीच में अधूरा छूट जाता है, कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, प्लस टू पास रह जाते हैं। उनकी ओर देखते हुए एक बड़ा परिवर्तन जो हायर एजुकेशन शिक्षा में किया है, वो ये किया है कि जो 4 साल का पीरियड है, टाइम है ग्रेजुएशन का, उसमें यदि आप पहले साल को कवर करते हो तो आपको पास होने के बाद यदि आप एग्जिट होते हो, बाहर जाते हो, पढ़ाई नहीं करते, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने पहला साल कंप्लीट कर रखा है। यदि आप 2 साल कंप्लीट करके एग्जिट होते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, यदि आप 3 साल करके एग्जिट होते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी, यदि आप 4 साल करके एग्जिट होते हो तो आपको एडवांस डिग्री के नाम से दिया जाएगा कि इन्होंने एडवांस डिग्री की है जिसमें रिसर्च का काम भी आपने किया हुआ है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद 4 साल जो करता है उसे एडवांस डिग्री मिलेगी और उसे पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में ही वो कंप्लीट कर सकता है, तो एग्जिट होने के लिए भी संभावनाएं दे दी गई है। तो इसमें सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में हम जो देख पा रहे हैं वो ये है कि एमफिल को खत्म कर दिया गया है, एमफिल रिमूवल हो गया है सिस्टम से, एमफिल का प्रावधान, एमफिल की जो डिग्री है वो बंद कर दी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में ये बहुत चर्चित विषय बना हुआ था एमफिल वाला, कि ये एमफिल क्यों खत्म किया है, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, ये सरकार का निर्णय है। और पीएचडी के लिए 4 साल का टाइम निर्धारित कर दिया गया है और एमए के तुरंत बाद विद्यार्थी 4 ईयर के अंदर अपना पीएचडी कर सकता है। शोध की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए पैरेलल कमेटियों का गठन किया जाएगा ताकि शोध की गुणवत्ता को चेक किया जा सके। इसके अलावा जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस कर रही है सरकार, किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल के साथ साथ हम आगे प्रमोट कर सके, कुछ ऐसे कोर्स हम लेके आ सके कॉलेज शिक्षा के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, जिसमें हम गार्डनिंग है, वेल्डिंग है,
या फ्लावर मेकिंग है, इस तरह से हम कुछ ऐसा एडवांस सिखाएं बच्चों को अलोंग विद द डिग्री प्रोग्राम, अलोंग विद द सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम, जिससे विद्यार्थी यदि एग्जिट होते हैं 4 ईयर के बाद में या बीच में ही, तो अपना कोई काम कर सकें। तो सबसे बड़े प्रावधानों के रूप में, सबसे बड़े चेंज के ऊपर में, चेंज में हमें नजर आया एमफिल बंद कर दी है, 4+1 का प्रावधान लेकर आए हैं, इंटीग्रेटेड 5 ईयर का प्रावधान लेके आए हैं, पीएचडी के लिए 4 ईयर का टाइम निश्चित करके कहा गया है कि शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई पैरलर साइमल्टेनियसली कमेटी बनाई जाएंगी जो चेक करती रहेंगी लगातार। तो ये हायर एजुकेशन में परिवर्तन हमें नजर आते हैं। और किसी वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से टीचर के सिलेक्शन का, रिक्वायरमेंट का प्रोसेस डिसाइड किया गया है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।